हाय सर, मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। झारखंड का ऑफिशियल शेड्यूल MBBS नीट काउंसलिंग का आ चुका है जी। झारखंड एक ओपन स्टेट कह सकते हो, झारखंड एक ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेज के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट। एक टाटा मणिपाल कॉलेज है, लेकिन टाटा मणिपाल सिर्फ झारखंड के बच्चों को ही मिलेगा एडमिशन। अगर झारखंड के काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो टाटा मणिपाल में आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू भी एडमिशन प्रोसीजर से ले सकते हो, MCC काउंसलिंग से ले सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के A to Z इंफॉर्मेशन की, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, काउंसलिंग का फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा और कौन कौन कॉलेजेस में हम काउंसलिंग के लिए फोकस कर सकते हैं। अगर सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ले तो jcecb.jharkhand.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है, यहाँ पे न्यू करके लिखा हुआ है जी। आपके सामने ये इस तरह का PDF डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आप पूरा शेड्यूल को देख सकते हो। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं बच्चे, कि कैसे कैसे काउंसलिंग करना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है मेरे दोस्त। देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे, जो बच्चा झारखंड से बिलोंग करता है वही इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकता है। लिख रहा है यहाँ पे, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। क्लियर हो रहा होगा, पहली बात तो ये है। ये गवर्नमेंट सीट के लिए, MBBS के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग शेड्यूल की बात कर ले मेरे दोस्त, तो आपके सामने शेड्यूल दिख रहा है। 25 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और जो एडिटिंग होगा वो 30 जुलाई 3 PM तक कर सकते हैं। स्टेट मेरिट जो है वो 31 जुलाई को स्टेट मेरिट आ जाएगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको ₹500 जनरल EWS पर बच्चों को करेंगे और SC ST फीमेल कैंडिडेट ₹250 का पेमेंट करेंगे। और डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल, यहाँ लिखा हुआ है स्कोर कार्ड ऑफ नीट जरूर अपलोड करेंगे। तो ये पूरा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है उसका क्या होगा। तो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज का क्या होगा कि अलग से रजिस्ट्रेशन आएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेजेंट में ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ डोमिसाइल बच्चों का ही है। जैसे ही लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है और जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा वो हम आपको अलग से बताएंगे। टाटा मणिपाल बच्चों के लिए भी यही रजिस्ट्रेशन करना है, जो टाटा मणिपाल में स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमारे से बात कर सकते हैं एक्सपर्ट से। प्लस आप लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, कितने नीट में स्कोर चाहिए, कितने बजट जा सकता है, ये हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात कर लीजिए। होप सो वीडियो अच्छा लग रहे हैं। मिलता है अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।